हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बीएस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम केस टू का क्वेश्चन नंबर थ्री देखने जा रहे हैं। ठीक है, केस टू में आपको ध्यान होगा, पहले चलिए एक काम करते हैं, केस वन से स्टार्ट करते हैं। केस वन में क्या देखा था? केस वन में आपको क्वेश्चन के अंदर ही न्यू कैपिटल दिया रहता है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो जब नया आपको कैपिटल दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस नए कैपिटल को जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस कैरीड डाउन में वो कैपिटल उनके नए रेशियो में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। वेरी सिंपल। केस नंबर टू, आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो यदि कैपिटल नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके अगेन दो केसेस हैं, केस ए और केस बी। तो केस ए समझ लेते हैं क्या है, पार्टनर्स का, पार्टनर्स मतलब कौन से, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल है उस एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देने पे जो कैपिटल आएगा वो ही नया कैपिटल रहेगा। क्लियर? उसको आप क्या करेंगे, उनके न्यू पीएसआर में पार्ट के आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। ठीक है, अब केस टू का ही जो केस बी है वो एक बार समझ लेते हैं कि उसमें क्या करना है। तो उसमें जो फर्म का रिटायरमेंट से पहले का जो कैपिटल था वो ही नया कैपिटल भी रहेगा। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि फर्म का रिटायरमेंट से पहले का जो कैपिटल है वो ही फर्म का रिटायरमेंट के बाद का भी कैपिटल रहेगा। वेरी सिंपल। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए बी सी का कैपिटल 1 लाख 1 लाख 1 लाख मतलब 3 लाख था। ठीक है, मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो सी के रिटायर होने के बाद भी फर्म का कैपिटल कितना रहेगा, 3 लाख ही रहेगा, जो कि हमको उनके कंटेनिंग पार्टनर्स के न्यू पीएसआर में बांटना रहेगा। इज इट क्लियर? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार हमको कैपिटल पता चल जाए कि नई फर्म का जो कैपिटल है, नई फर्म मतलब रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल है वो कितना होगा, वो हमको चाहिए। केस वन में दिया रहेगा, केस टू में नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो कहां से मिलेगा, केस टू के केस ए में आपको जो कंटेनिंग पार्टनर्स है उनके एडजस्टेड कैपिटल को आप टोटल कर देंगे तो आपको कैपिटल मिल गया। और केस टू के केस बी में क्या करना है, जो रिटायरमेंट से पहले का जो टोटल कैपिटल था फर्म का वो ही उनका रिटायरमेंट के बाद का भी कैपिटल रहेगा। आगे बात समझ में? तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपके केस टू केस बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन एक बार पहले अच्छे से पढ़िए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2017 हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो उनका जो पीएसआर है वो क्या है, उनका कैपिटल, कैपिटल रेशियो मतलब 2:3:2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ब्लैक कर लेते हैं। अब ध्यान दें, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लैंड बिल्डिंग मशीनरी क्लोजिंग स्टॉक डेटा प्रोविजन, ये सब कुछ अभी नहीं आएगा। सीधे चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2017 पी डिजायर टू रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वॉज अग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी ऑन फॉलोइंग बेसिस। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 30%। तो ये देखो आप, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख, या 30% से बढ़ रही है, मतलब फायदा होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। क्या करेंगे मशीनरी का, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि नुकसान है। ठीक है, देयर वर बैड डेट ऑफ 17,000। अब आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि बैड डेट दिया हुआ है 17,000
और साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा प्रोविजन। अगर आपको ये प्रोविजन दिखाई दे रहा है तो प्रोविजन भी दिया है और बाहर बैड डेट भी दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बता सकते हैं? देखिए बैड डेट दिया हुआ है 17,000 का और प्रोविजन बना हुआ है कितना 10,000, प्रोविजन बना है कितना 10,000। तो अब बताइए कि हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कि क्वेश्चन में पुराना प्रोविजन भी दिया हुआ है, नया प्रोविजन बैड डेट वगैरह दिया हुआ है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोविजन आप देख रहे हैं 10,000, प्रोविजन जो बना हुआ है 10,000, ये ऑलरेडी आप इसको लिख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब आपके जो बैड डेट हो रहे हैं नीचे देखिए कितना दिखा रहा है 17,000, मतलब आपके प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, आपने एक अनुमान लगाया था कि इतना हमारा बैड डेट होगा, आपका अनुमान था 10,000 और आपके अनुमान से ज्यादा बैड डेट हो गया, कितना बैड डेट हो गया 17,000, मतलब हमारे अनुमान से कितना ज्यादा हो गया 7,000 ज्यादा हो गया। तो ये जो 7,000 जो एक्सेस बैड डेट हो रहा है हमारे अनुमान से, वो हमारा लॉस है। क्लियर? क्योंकि जितना हमने अनुमान लगाया था उतना ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जा चुका है, उस अनुमान से जितना ज्यादा हो रहा है दैट इज आर लॉस। ठीक है, एक रास्ता तो ये समझ के अपन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन बताया था, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो फिर बोल रहा हूं, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, बैड डेट दिया है क्या? बिल्कुल दिया है 17,000। देखो इधर मैं लिख देता हूं, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 17,000, माइनस ओल्ड प्रोविजन 10,000, ये जितना भी आया ये 7,000, ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। आई बात समझ में? वेरी सिंपल। अगर नहीं समझ में आता है तो इक्वेशन आप ध्यान रखिए, बाकी मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर किया कि कैसे करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं, द क्लेम ऑन अकाउंट, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन आर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट 8,000। तो ये जो है ये क्लेम है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, क्यों लगा रहा हूँ स्टार बताइए? वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हम स्टार क्यों लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटेंगे 15,000 रुपए का, तो उसमें से ये क्लेम को सेटल करने के बाद बांटेंगे। इज इट क्लियर? एंड एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है ये बैलेंस शीट में भी अपियर होने वाला है, नई बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, यदि क्वेश्चन में पूछा होगा तो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000 एंड पीस शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्यू एंड आर हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। तो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? क्यू एंड आर। तो इनका हमको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्यू का जो पुराना शेयर है वो है 3/7। ठीक है, 3/7, और अब जो नया शेयर मिल रहा है वो उसको कितना मिलेगा? वो मिलेगा 4/7, 4/7। तो इसका गेन हो रहा है कितना? 1/7। ठीक है, वैसे हम चलते हैं आर के पास, आर को कितना मिल रहा था पहले? 2/7। कितना मिल रहा था? 2/7। अब कितना मिल रहा है देखिए जरा, अब मिल रहा है 3/7। कितना इसका फायदा हुआ? 1/7। तो दोनों का फायदा 1/7, 1/7, मतलब ये लोग गेन कर रहे हैं 1:1 में। ठीक है, तो ये देखिए, अब गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, पी का शेयर कितना है? पी का शेयर है 2/7, 2/7 मतलब 1,40,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 × 2। तो डिवाइडेड बाय 7 किया तो कितना आ गया? 20,000, 20,000 × 2 कितना हो गया? 40,000। तो 40,000 देना पड़ेगा, 40,000 कौन देगा? क्यू
क्यू और आर देंगे किस रेशियो में देंगे, 1:1 में देंगे। आई बात समझ में? तो 20,000 और 20,000, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल। ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सारी चीजों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलता है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पी एंड विल बी इन न्यू पीएसआर ऑफ द कंटेनिंग पार्टनर्स। आई एम रिपीटिंग, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पी एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर ऑफ द कंटेनिंग पार्टनर्स। चूंकि हम बात कर रहे थे केस टू का, केस बी जिसमें कि बोला गया है कि रिटायरमेंट से पहले जितना कैपिटल था उतना ही रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा, तो यहां पे रिटायरमेंट से पहले कितना कैपिटल था, देखो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, तो बिफोर द रिटायरमेंट कितना है इनका, पूरी फर्म का कैपिटल है 7 लाख, तो रिटायरमेंट के बाद भी इनका कैपिटल कितना होगा, 7 लाख ही होगा, न कम न ज्यादा। और किस रेशियो में होगा, उनके न्यू रेशियो में। उनका नया रेशियो क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4:3। तो अब एक काम करते हैं, ये 7 लाख को 4:3 में बांटेंगे तो क्यू और आर का कैपिटल आपको मिल जाएगा, 7 लाख रुपए को 4:3 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख और 3 लाख। तो 4 लाख और 3 लाख ही क्यू और आर का नया कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमको पता चल गया कि हम टू बैलेंस क्रेडिट डाउन में कितना लिखने वाले हैं, क्यू के अकाउंट में लिखने वाले हैं 4 लाख, आर के अकाउंट में लिखने वाले हैं 3 लाख। आगे बढ़िए, क्या बोलता है, अमाउंट ड्यू टू पी इज टू बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट व्हिच विल बी पेड लेटर ऑन। तो पी को हम 50,000 रुपए तुरंत दे देंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय खराब के हम आगे बढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन बनाते हैं। रिवॉल्यूशन में ज्यादा चीजें हैं नहीं, क्या क्या है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, दूसरा मशीनरी है और तीसरा प्रोविजन है। चलिए हाँ जी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय कितना है, 30%, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए कितना है, 2 लाख, एक सेकेंड, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है हमको 30% से, तो हम यहाँ पे फायदा हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 2 लाख, तो कितना हो जाता है 60,000, 60,000 को फायदा हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीनरी देखिए 3 लाख है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू मशीनरी, तो मशीनरी 3 लाख, 3 लाख का 20% हो जाता है 60,000, बराबर। उसके बाद आइए, देयर वर बैड डेट ऑफ रुपीज 17,000, तो 17,000 के हो रहे हैं बैड डेट, तो उसका मैंने बताया था आपको प्रोविजन से जितना भी ज्यादा है हमारा बैड डेट, तो वो हम लिख देते हैं, वो हमारा लॉस है टू बैड डेट कितना 7,000, ठीक है। और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन का जो है वो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है, उसी में से एडजस्ट करेंगे, ये भी आपको चीज क्लियर है, ठीक है। बस इसके बाद और कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये आपका एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड आपका ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पी क्यू एन आर, 7,000 को बांटना है 2,000, 3,000 एंड 2,000, क्यों, वॉल्यूम का रेशियो ऐसे लिए, ठीक है, ये 7,000 इधर लिखा, ये हो गया 67,000, इज इट क्लियर, सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं, ये रिवैल्यूएशन ए पार्टनर्स कैपिटल फॉर्म, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल फॉर्म में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इनके ओपनिंग कैपिटल,
ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, 2 लाख है, ठीक है, 3 लाख और ये 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं है, सिंपल हमको बांटना है। कितना हो जाएगा ये, 10,000, 35,000 है, देखिएगा ना, इसी रेशियो में बांटना है, ये हो गया 10,000, 15,000 एंड 10,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांटने से पहले हमको ध्यान रखना है, हमने स्टार लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, कितना क्लेम था, क्लेम था हमारा 8,000, तो 15,000 माइनस 8,000 हो गया 7,000, 7,000 को बांट देते हैं, 2,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। उसके बाद अभी हमने रिवैल्यूएशन का लॉस भी कैलकुलेट किया था, ध्यान है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना किया था, देखिए जरा, 2,000, 3,000, 2,000, ठीक है, 2,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। और क्या है बताइए, अभी गुडविल है ना, तो गुडविल पी रिटायर हो रहा है, 20,000 क्यू दे देगा और 20,000 आर दे देगा, तो क्यू और आर, ठीक है, यहाँ पे हम क्यू और आर से ले लेते हैं 20,000 और ये 20,000, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीस कैपिटल, ठीक है। और क्या देना है हमको, देखिए जरा, कैपिटल्स हो गए, रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी लिख दिया हमने, बस और कुछ नहीं है। अब पी भाई साहब को पहले हम पैसे दे देते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था देखो जरा, क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि उसको 50,000 कैश दे दो, बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो पी का टोटल करते हैं 2 लाख और ये हो गया 10,000, 20,000, ये 2,50,000, 2,52,000, 2,52,000 माइनस 2,000, ठीक है, फिर से देख लेना, ये 2,52,000 है ना, 2,52,000, तो हमने इसको टू कैश दिया कि कैश एट बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे कैश नहीं लिख रहा हूँ, बैंक लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप बैलेंस शीट पे अगर देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में हमारे पास कैश इन हैंड नहीं है, बल्कि कैश एट बैंक है, मतलब बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम टू बैंक ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना दे दिया हमने, 50,000, 50,000 दे दिए और बाकी जो है टू पीस लोन अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे, चलो एडजस्टमेंट क्या बोला मैंने, रिटायरमेंट से पहले का कैपिटल ही रिटायरमेंट के बाद का कैपिटल भी रहेगा, तो ध्यान कीजिए कि रिटायरमेंट से पहले कितना है, रिटायरमेंट से पहले है 7 लाख, तो रिटायरमेंट के बाद भी 7 लाख, किस रेशियो में, 4:3, तो हो जाता है 4 लाख और 3 लाख, तो हम यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, ये 4 लाख और ये 3 लाख, ठीक है, 4 लाख और 3 लाख, ये लिखने के बाद अब जो बचता है दैट इज बैलेंसिंग, बस और कुछ नहीं करना है, तो हम बैलेंसिंग करेंगे और जो भी होगा वो टू बैंक या बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ का टोटल भी 2,52,000 है, अब बाकी टोटल करते हैं, चलिए ये 4,23,000 यहाँ का टोटल आ रहा है,
क्रेडिट साइड का टोटल है 3,18,000, ठीक है, और यहाँ का है 4,23,000, तो माइनस करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1,05,000, ठीक है, इधर कम हो गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक 1,05,000, ठीक है, और आर का देख लेते हैं 3,22,000 है, और क्रेडिट साइड 2,12,000 है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000, तो इनका टोटल हो जाएगा 4,23,000, और ये हो जाएगा 3,22,4,23,3,22, ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस शीट बना ले, चलो बैलेंस शीट भी बनाते हैं, चलिए तो बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम। चलिए बैलेंस शीट में क्या क्या है हमारे पास वो देखिए आप, सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स हैं, ठीक है, और बैंक है, ठीक है, ये एसेट्स हो गए। लायबिलिटी में आते हैं तो आप कैपिटल अकाउंट आपका क्यू और आर, जो कि हमको मालूम है 4 लाख और 3 लाख है, ठीक है, और साथ ही साथ 30 लोन अकाउंट है ना, जो हमने अभी नहीं दिया है, तो ये तो हो गया आपका 7 लाख, और पी को जो देना बाकी है दैट इज 2 लाख, ठीक है, और बाकी रिजर्व बांट दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बांट दिया है क्रेडिटर्स, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन था क्या? नहीं, क्रेडिटर्स में तो कोई परिवर्तन मेरे को नहीं लग रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं है 50,000। क्या लैंड एंड बिल्डिंग में था? बिल्कुल, लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान कीजिएगा अप्रिशिएट हुई थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी 2 लाख, ये बढ़ के हो गई है 2,60,000, है कि नहीं? फिर मशीनरी देखिए, मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ है, 3 लाख रुपए की मशीनरी थी जिसमें 20% डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब ये हो गई है 2,40,000, तो ये 2,40,000 हो गई मशीनरी। स्टॉक में कोई चेंज है क्या? स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है 1 लाख। डेटर्स में परिवर्तन है क्या? बिल्कुल है, डेटर्स ध्यान रखिएगा, डेटर्स हमारा था कितना, पहले 1,10,000 था जिसमें से 10,000 के प्रोविजन है ना, फिर आ गया 1 लाख, 1 लाख के बाद भी और 7,000 और हमारा बैड डेट हो गया 7,000, देखा जाए तो 1,10,000 था, 1,10,000 में 17,000 आप बैड डेट माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 93,000, 93,000, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, 1,10,000 आपका डेटर था है ना, माइनस आपका 17,000 बैड डेट हो गया तो आया 93,000। अब आता है बैंक, तो बैंक अकाउंट या तो आपको बनाना पड़ेगा, पहले ऐसे यहाँ पे ही कर लेते हैं हम, बैंक अकाउंट बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे 1,00,000 रुपए का बैलेंस था हमारे पास, ठीक है, प्लस दोनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ लेके आए हैं, देखो 1,05,000 और 1,10,000, 1,05,000 लेके आया क्यू और 1,10,000 लेके आया आ, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 3,15,000, 3,15,000 माइनस 50,000, 3,15,000 माइनस 50,000 हो जाता है 2,65,000, ये अकाउंट बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये हो गया, और इसके अलावा कुछ बचता है क्या? इसके अलावा तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं बचेगा,
हाँ एक चीज बच गई है, दैट इज आपकी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए यहाँ पे हमने लिख ही दिया था कि गलती ना हो, ये 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कितना है 8,000, 8,000 हमने ये दे दिया, तो टोटल हो जाता है 7 × 2 9 लाख, 9,58,000, 9,58,000, इधर भी 9,58,000 होना चाहिए। देख लेते हैं, 2,60,000 प्लस 2,40,000, 1 लाख प्लस 93,000 प्लस 2,65,000, तो ये भी हो गया 9,58,000। तो समझ में आया, केस टू के अंदर ही जब कैपिटल नहीं दिया रहता है तो दोनों केसेस हमने केस ए और केस बी कवर कर लिया है, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि काफी अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, मगर हमेशा ध्यान रहे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, आगे नए लेक्चर में नए टॉपिक। बाय बाय।